ड्राइवर रेडी हो चुका है। यहाँ पर कुछ रोक भी लगाया गया है, यहाँ पर पुलिस बहुत ज्यादा पकड़ती है यार, कोई भी घर दिखाई नहीं देगा। स्कूल में क्या हो गया है कि हम लोग का नाम कट गया, हमेशा के लिए नाम कट जाएगा। मेहनत करने के बाद भी स्कूल में नाम काट दिया जा रहा है, नाम भी कटा चुका है। नाम है कि नहीं कट गया है ना, अभी चलो जीता तो सब कुछ चौपट हो गया यार, मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा है। इतना सालों से एनसीसी कर रहे थे, पहले से एक मैसेज आया था कि आप लोगों का नाम काट दिया गया है, तो मुझे बहुत दुख लगा है भाई। आप लोग सोच रहे होंगे नीलेश भाई हंस क्यों रहा है, हंस मैं इसलिए रहा हूँ कि पता नहीं कब क्या हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। अभी चलते हैं देखते हैं आगे क्या होता है, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्यों काटा गया है, कितने लोगों का काटा गया है, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। यहाँ दूध रोटी रखा हुआ है, तो पहले दूध रोटी खाते हैं। छोटा भाई है तो पता नहीं ये क्या घूर घूर के देख रहा है, चलो नीचे जाओ तुम। पहलवान भाई को भी अपने साथ कॉलेज में लेकर चलूंगा, क्योंकि पता नहीं क्यों नाम काटा गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, उधर से डिप्रेशन में आना पड़ेगा ना, इसलिए पहलवान भाई साथ में रहेगा ना तो मस्त रहेगा। देखते हैं, वैसे इतना आसानी से तो नाम मतलब नहीं काटा जाना चाहिए, लेकिन काट दिया गया है क्योंकि हम लोग के पास पूरा का पूरा मैसेज आया था। आप लोग सोच रहे होंगे नीलेश भाई के चेहरे पर अभी भी मुस्कान है, तो भाई देखते हैं क्या होता है। इसलिए है कि हमारा अकेले नहीं कटा है, बहुत सारे लोगों का कटा है, अभी सब लोग जा रहे हैं, देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या होता है। वैसे तो हम लोग को बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिल सकता है, गालियां भी सुनने को मिलेगी, तो सब कुछ सहना पड़ेगा भाई। रहा अपना भाई, उधर देखो अपना खाना वाना बन रहा है, तो अभी चलते हैं। ये रहा अपना आरोन भाई, और इधर भैंस भी लगी हुई है सब, इधर सारी की सारी बकरियां भी लगी हुई है सब, तो अभी चलते हैं। एक बार रेडी हो चुका है, और पहलवान भाई क्या हाल चाल है, स्कूल में क्या करने हम लोग जा रहे हैं? बाइक है ना, ये बाइक काफी खतरनाक वाली है भाई। अभी हम लोग को कितना किलोमीटर दूर जाना है पहलवान भाई? 40 किलोमीटर दूर। अभी हम लोग 20 किलोमीटर दूर अपने घर से आ चुके हैं, और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाना है। तो ये रहा अपना धन्नो, इसी में नाम काट दिया सब, और मैं इतना ज्यादा हंस रहा हूँ, अपने पहलवान भाई को भी हंसा रहा हूँ। इधर से तो हंसते खेलते चले जाएंगे, लेकिन स्कूल में अगर ये पता चला कि सैयनका में हमेशा हमेशा के लिए कट गया है, तो बड़ा ज्यादा दुख होगा भाई। सैयनका में तो कट ही गया है, लेकिन हमारा अकेले नहीं कटा है, जैसे मतलब 15-20 लोगों को कट गया है, तो ऐसा नहीं है कि 15-20 लोगों को हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। वो लोग गाली देंगे मारेंगे, लेकिन हो सकता है फिर से लिख देंगे सब। जैसे हम लोग इधर से हंसते खेलते जा रहे हैं, उधर से भी हंसते खेलते आए, अगर हम लोगों का नाम काट कर बाहर खदेड़ दिया जाएगा ना, तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा यार। कई सालों का मेहनत है, देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। अगर नाम काट देंगे सब, तो आज ही से रिटर्न के तैयारी में लग जाएंगे। मुस्किया रहा है धीरे धीरे, चलो चलो चला जाए। तो इसी तरह से मिलेगा, चारों तरफ मतलब सुनसान एरिया रहेगा, कोई भी घर दिखाई नहीं देगा, और कहीं कहीं का रोड तो इतना ज़्यादा खराब रहेगा ना, वो रोड पूरा का पूरा टूटा हुआ दिखाई देगा। तो काफी ज्यादा मेहनत से उतना दूर जाना पड़ता है, इसलिए मैं अपने कॉलेज में नहीं जा पाया था, और वो लोग हमारा नाम भी काट दिए, तो ये तो गलत हुआ है भाई। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है, अब आगे का तो कुछ पता नहीं है। सीमा समाप्त हो जाएगा, दूसरा जिला आ जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ रोक वोक भी लगाया गया है, यहाँ पर पुलिस बहुत ज्यादा पकड़ती है यार। देखो एक बहुत बड़ा नदी है, और ये जो बस है ना, ये बनारस चली जाएगी, लखनऊ चली जाएगी, बहुत दूर दूर तक जाएगी। एक तिरंगा दिख रहा होगा, तो ये तिरंगा काफी अच्छा है, ये तिरंगा दूसरे जिला में पड़ता है। तो चौराहा ना, ये चौराहा बहुत छोटा है, ये जंगल झाड़ियों के बीच छोटा सा एक चौराहा लगाया गया है। पता नहीं ये लोग जो टेम्पू वेम्पू में बैठे हैं, ये लोग कहाँ जाते हैं यार, हम लोग तो दूसरे दुनिया में जा रहे हैं। घूर घूर के देख रहे होंगे, इन लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग एलियन है भाई, वीडियो बनाते हुए चल रहे हैं। आप शेख भाई आ चुके हैं, हम लोग कहाँ स्कूल जा रहे हैं? इसलिए रहे हैं कि हम लोग का नाम कट गया। आपका भी नाम कट गया, दिन एब्सेंट है। हम लोग तो ग्रुप में देखे हैं कि सबका नाम कटा हुआ है, तो बोले हैं कि आज चलते हैं, नहीं तो हम लोग का हमेशा के लिए नाम कट जाएगा। तो सब लोग कि नहीं नाम लिखाएगा? अरे उम्मीद है, नाम कोई नहीं काट सकता, बस उस टाइम बुलाने के लिए डाला गया। हम देखे थे लिस्ट, पूरा नाम कट गया है। हाँ नाम कट गया, तो फिर अगर नहीं लिखाएगा तो? अरे लिखाया क्यों नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है, परेड बुरा हो गया। लिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे? अगर नहीं लिखेगा तो ऐसी चला जाए ना, चलो चला जाए। देखो अपना पहलवान भाई भी अंदर अंदर निराश हो रहा है, लग रहा है इसके आंसू बह रहे हैं, मत रहो नाम लिखा जाएंगे, ठीक है ना। चला जाए, बैठिए हम पीछे बैठेंगे। खराब रोड देखने को मिलता है यार, यहाँ से तो हालत खराब हो जाता है। देखो इस पर सभी लोग अपना अपना बाइक पंचर कर लेते हैं, कभी कभी हम लोग का भी बाइक पंचर हो जाता है, लेकिन बड़ा संभल संभल कर इस रोड पर चलना पड़ता है। अभी ऐसे ही हम लोग को 10 किलोमीटर चलना है। अब आप लोग सोच सकते हो इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी स्कूल में नाम काट दिया जा रहा है। अब स्कूल के जो हमारे टीचर है वो नहीं समझ रहे हैं कि लड़के कितना दूर से आ रहे हैं, किस तरह से मेहनत कर रहे हैं भाई, वो लोग तो सिर्फ नाम काट दे रहे हैं यार।
भाई मिल चुका है, इसका नाम भी कटा चुका है, नाम है कि नहीं कट गया है ना, अभी अंदर चला जाए अब डंडा पड़ेगा भैया। कोई बात नहीं, वर्दी में आया यार, तुम तो वर्दी भी नहीं पहने हो, ये सबसे चंड लड़का। अच्छा उसका नाम कटा है कि नहीं, उसका भी कटा है ना, चलो अब बात करना क्या करना है, चलो जूता, इसका जूता भाई खतरनाक है, चला जाए बोला, चला जाए जो होगा वो देखा जाएगा। काली वाली सुनकर काले से बाहर निकल चुके हैं, क्या करे यार, स्टूडेंट लाइफ यही होता है, मतलब कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल देता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, हम लोगों का नाम सच में काट दिया गया है और सर बोल रहे हैं कि तुम लोग को पेपर भी नहीं देने जा रहा है, बहुत ज्यादा दुख लगा यार, गालियां भी सुनने को मिली है। हम लोग के लाइफ में ऐसा होता होगा, लेकिन सब लोग नहीं दिखा पाते हैं, आप लोग हमसे जुड़े हो तो मैं सारी चीजें दिखा देता हूँ भाई। कोई भी बंदा कामयाब होता है ना तो इसी तरह से मेहनत करते रहता है और कोई कोई कामयाब हो जाता है, कोई कोई नहीं हो पाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा ताना बोली सुनने को मिलता है कि यहाँ पर वर्दी पहन कर जाता था, ये करता था, वो करता था, और आज देखो किस तरह से घूम रहा है, सारा पैसा बर्बाद कर दिया, तो ऐसा सुनने को मिलता है भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। अपना पहलवान भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, इसके कॉलेज में भी जाना है ना इसलिए, और यहाँ पर देखो एक बजरंग वाली का मूर्ति है, यहाँ पर भी कुछ भाई लोग दौड़ते हैं, तो इसलिए मैं सोचा हूँ यहाँ पर वीडियो बनाऊँगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी जगह हमको रुकना काफ़ी अच्छा लगता है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।